हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी देखते हैं, चंद्रयान 3 विल मेक इंडिया रिच। अरे वाह, इंडिया मेक्स हिस्ट्री। वो तो है, जिस तरह से हम अचीवमेंट्स कर रहे हैं, ऐसी ऐसी मतलब हमारे पास आएंगे। देखिए, अगर किसी को लग रहा है कि वहां जाके मिनरल्स ढूंढेंगे, मिनरल्स लेके वापस नहीं आ सकते, नहीं वो नहीं, मतलब जो कंट्रीज जो कंट्रीज जो आएंगे हमारे साथ, भैया हमें ये कर दो, हमारे साथ ये कर दो, उसकी वजह से जो मुझे तो यही लग रहा है कि वो यही बात सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है वहां जाने की। हम खुद भी रिसर्च हमारी होगी और चीजें पता लगेंगी, मगर नेट ये है यस कि ये बहुत बड़ा कमर्शियल एंगल भी इसमें है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि इसरो को कमर्शियल एंगल चाहिए और बढ़ने के लिए। वेपन्स और एक ये स्पेस, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत पैसा कमा सकता है अगर कोई कंट्री उसमें आगे बढ़ जाए। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 फाइनली भाई मून पे लैंड कर चुका है। इंडिया का तिरंगा मून के ऐसे पार्ट पे लगा दिया गया और मस्त फहर रहा है, जहां पे दुनिया में और कोई भी नहीं पहुंच पाया। ये वाला मिशन बस इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। इस मिशन के अंदर क्या स्पेशल है, इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर क्या नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज लगाई थी, और कैसे इंडिया को बहुत ज्यादा अमीर बनाने वाला है, ये तीनों चीजें मैं आपको बताता हूँ। और मेरे पर्स में बहुत सारे क्रेडिट हूँ भाई, लेट्स गो। तो मैं बता दूं, चांद है स्पेशल था ना, आपका चांद का तारा आप जो अपनी मेहमाशों को दिखाते हो कि हाँ भाई ओहो, उसका जो दूसरा तरफ है वो काफी ज्यादा खुदरी है, वो दिखती नहीं है, क्योंकि चांद बस अपना एक चेहरा दिखाता रहता है चमकता वाला, पर दूसरी तरफ जो है वो ना कोई देख पाता है ना उस तक कोई पहुंचा है, और जहां पे आप देख नहीं सकते उसके बारे में कुछ नहीं पता कि भाई क्या टेम्परेचर है, क्या हालचाल चल रहा है। वहां पे एक स्पेसक्राफ्ट लैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रिसेंट न्यूज आई थी, रशिया ने भी ट्राई करा था, रशिया का जो स्पेसक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया। इसराइल ने 2019 में ट्राई करा था, उनका भी स्पेस रोवर क्रैश हो गया। काफी सारी कंट्रीज ने मून के इक्वेटर के पास लैंडिंग कर रखी है, बट उस पार क्या है वो किसी ने नहीं देखा। एक होती है इंपैक्ट लैंडिंग, आप जाओ बस वहां पे फेंक दो और वो मून पे लैंड कर जाता है, फिर वो हिल भी नहीं पाता है। जितनी फुटेज उसको आने जाने में लग गई उतनी आपको मिल जाती है, बट उसके अलावा चीजें आपको उसका फायदा क्या है। बट इंडिया ने जो करा है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। साउथ पोल के ऊपर जहां पे टेम्परेचर -20 नहीं, -30 नहीं, -232 डिग्री सेल्सियस, इसमें ऐसा नहीं था, झंडा फंडा को नहीं आ रहा था, वो ऐसे बोलने का है, बहुत ज्यादा मुश्किल है इस टेम्परेचर के लिए मशीनें बनाना। और क्योंकि उस तरफ चांद की आप देख नहीं सकते तो बहुत ज्यादा खड्डे हैं, इसीलिए सारे रोवर्स क्रैश हो जाते हैं, सारे स्पेसक्राफ्ट वहां पे लैंड करने जाते हैं, इतना खुरदुरा होता है, लुढ़क पुढ़क के भड़क, और सारा डेटा भी चला जाता है, सारा कनेक्शन भी चला जाता है। और पिछली बार भी भाई जब चंद्रयान 2 भेजा गया था, पूरी प्रिपरेशन के साथ भेजा गया था, बट सॉफ्टवेयर वहां पे काम करना बंद कर गया, जो ट्रांसमीटर्स थे उनमें थोड़ी दिक्कत आ गई, और जो लैंडिंग थी उसमें भी भाई समझ नहीं आई कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल हो गया था, बट जो एक्चुअल रोवर था उसके लैंड करने में एक मतलब पार्शियल फेलियर हो गया था और वो क्रैश कर गया था। बट इस बार इसरो ने भाई तबाही मचा दी भाई, ना जस्ट लैंड करा है, लैंड करने के बाद वो घूम रहा है भाई, भाई चांद पे 4-5 एरिया मार्किंग हो जाएगी भाई, भाई अब तो तिरंगा हर तरफ, ओहो मजा ही आ जाएगा। आपको लग रहा है ठीक है भाई स्पेसक्राफ्ट लैंड कर दिया, बट इसमें इंडिया अमीर कैसे बनेगा, और इंडिया के पास मतलब कितना पैसा लग गया, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया होगा, इसमें बड़ी दिक्कत है, मैं सब निकल जाएगा क्लियर करके बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो इस स्पेसक्राफ्ट में जो चीजें लगा रखी है वो टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। पिछली बार से 40 गुना ज्यादा एरिया बढ़ा दिया गया था स्पेसक्राफ्ट में लैंडिंग का, जिसे एक बार में भाई परफेक्ट लैंडिंग बताएगा, अगर कोई वो आते हैं लैंड नहीं होता एक महीना और वेट जिसमें घूमता रहता और भाई सर्कल करता रहता, फिर उसके बाद लैंडिंग की कोई भाई तारीख निकलती, क्योंकि आपको लग रहा है कि बस ऐसे ड्रॉप कर दो प्लेन की तरह, ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल है, बहुत कैलकुलेशन लगती है। विक्रम लैंडर पे भी पिछली बार से फ्यूल काफी ज्यादा बढ़ाया और सोलर पावर भी कर दिया था, ताकि सूरज से भी रोशनी लेके भाई अपना मस्त गरम गरम। सॉफ्टवेयर में भी भाई काफी नेक्स्ट लेवल अपडेट्स करे गए, जो एक्चुअल फोटोज भी निकल के आई हैं भाई, पहले बहुत मतलब बेसिक फोटोज आती थी, बट अब पूरी लैंडिंग एक एक स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड हुई थी। चंद्रयान 2 में क्या था कि मतलब फोटोज देख के अपने भाई अपना, क्योंकि आप किसी हमने देखने के लिए रिकॉर्डिंग आ गई है एक्चुअल लैंडिंग की, वो देखने पहले खाली फोटोज थी, अब मल्टीपल सेंसर्स लगाने लैंडिंग के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होगी, और उन सबको माप के आराम से अपनी भाई परफेक्ट लैंडिंग सिंहासन बना के उतरे। इसमें विक्रम को लैंड
करने के लिए भाई मल्टीपल ऐसे लेग्स लगते हैं, टांगे पैर जबरदस्त मजबूत करे गए। 1725 kg इसका एक्चुअल पूरा वेट है और इसके लिए अच्छी मजबूत टांगे चाहिए। चंद्रयान 2 में कनेक्शन वीक हो गया था एंड उसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे एक्चुअल लैंडर के साथ, एंड उसी वजह से क्रैश में भी भाई काफी बड़ा हाथ रहा होगा। बट इस बार कम्युनिकेशन एकदम टाइट, सॉफ्टवेयर भी है, लैंडर का भी ऑर्बिटर दोनों का अपग्रेड करा गया था, इसकी वजह से भाई कोई कनेक्शन नहीं टूटा एंड हम यहाँ पे अर्थ पे देख पा रहे थे लाइव लैंडिंग। पिछली बार जो ऑर्बिटर था भाई सेम ऑर्बिटर की मदद से, मतलब उसी की हेल्प ली गई थी भाई इसकी लैंडिंग परफेक्ट करवाने में। इसमें काफी सारी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी मैं आपको क्विक क्विक बताता हूँ। सबसे पहले इसमें 3 कॉम्पोनेंट्स है, लैंडर, रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, और एक प्रोपोर्शन मॉड्यूल है। इन सबकी मदद से टेक 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है। भाई मून पे पानी है, कोई और ऑर्गेनिज्म है या एलियंस, सबका पर्दाफाश होने वाला है। सबसे पहली चीज भाई साइंस बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है, क्योंकि भाई मून पे अगर पानी है, कोई भी नए एलिमेंट्स मिलते हैं उसको हम टेस्ट करके उसका डेटा यूज करके साइंस में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इससे बैटरीज हो सकता है ऐसी बन जाए जिससे भाई 100-100 साल एक बैटरी चल रही है, या फिर भाई एंटी ग्रेविटेशनल रॉकेट हम बना पाए जाएंगे टेक्नोलॉजी, जिसकी फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। जो सरफेस के अराउंड का प्लाज्मा है ये उसको समझ पाता है बेसिकली जितने भी आयंस हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं वो सरफेस पे, ये उनको स्टडी करके भाई डेटा इंडिया भेज सकता है वापस। CHASTE सेकंड वाला है, इसका फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये मून के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनकी ये थर्मल प्रॉपर्टीज चेक कर सकता है, उनको जला के चेक करा जा सकता है कौन सी गैसेस निकल रही है, उन गैसेस की भी टेस्टिंग करी जा सकती है। नेक्स्ट है ILSA, इसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि भाई मून पे जो अर्थक्वेक आ रहे हैं मून क्विक्स उनको ये समझ जाता है। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे, इसरो ने अपनी वेबसाइट पे इसको लिखा है कि पैसिव एक्सपेरिमेंट है मून के डायनेमिक्स को समझने के लिए, भाई मून कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या मस्त चीजें चल रही हैं, उसके बाहर क्या है। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS, ये जो मून की कंपोजिशन है, जो भाई केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सारी चीजें कर पाता है, केमिकल कंपोजिशन फाइंड कर सकता है बेसिकली। पर भाई एलियन है, ऑर्गेनिज्म है, पानी है, बर्फ, एलियन ना हो सकता कोई छोटे ऑर्गेनिज्म, समझ लेता भाई जो मून की मिट्टी पहचान कर लेता। स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। बेसिकली 7 मैंने चीजें बता दी कि फ्यूचर के लिए डिस्कवरीज कर सकता है कि और कौन से एक्सोप्लैनेट्स हैं जिन पे भाई अर्थ जैसी लाइफ हो सकती है। सारी चीजें कर पाना भाई एक लैंडर के अंदर बहुत बड़ी बात। अब आ जाते हैं भाई पैसे की बात। सबसे पहली बात, 615 crore में एक बेसिक पिक्चर बनती है, और बस सारी पिक्चरें बंद करो, सबको बोलो यहां इन्वेस्ट हो, चीज कर पाना जो दुनिया में कभी नहीं करी गई भाई, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मून के साउथ पोल पे लैंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था आज से पहले, बट आज ये पॉसिबल हो गया इसरो की वजह से, और इससे इंडिया बहुत ज्यादा अमीर बनेगा। सबसे पहली चीज, इंडिया साइंस में बहुत नेक्स्ट लेवल तरक्की कर सकता है, जितने भी साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं, मून की स्टडीज हैं, इसलिए यूके वाले रोने शुरू कर दिया, चीजें बड़ी बड़ी स्टडीज वो इंडिया कर सकता है, एंड ये जो स्टडीज हैं ये दूसरी कंट्रीज को दी भी जा सकती है बड़े बड़े पैसे के बदले। और उसके साथ साथ बहुत ही कम कंट्रीज है पूरी दुनिया में जो एक्चुअल मून पे लैंडिंग कर पाती है, बस 4 है, और साउथ पोल पे तो हम बस अकेले हैं। हम कोई भी और अगर कंट्री है जिसके पास इतना पैसा नहीं है मून पे लैंडिंग करने का और इतनी सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करने का, वो इंडिया को पैसा देते हैं अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, और किसी भी कंट्री को अगर रिसर्च करने बड़ा अच्छा आइडिया है पैसा कमाने का, इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेगा, इंडिया को पैसा देगा ताकि भाई उनके मून मिशंस भी हम पहुंचा दें, और इससे हमारी कंट्री नेक्स्ट लेवल ऊंचाइयां छूने वाली है। और ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, नासा फॉर एग्जांपल अपने एक एक मून मिशन पे 9-10 हजार करोड़ रुपए लगाता है, और हमने बस 615 crore लगा, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल, बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत ही नेक्स्ट लेवल फ्यूचरिस्टिक काम किया गया भाई। इसके बाद भाई गगनयान बिल्ड कर रहा है इसरो, जिसमें एक्चुअल एस्ट्रोनॉट्स मून के ऑर्बिट तक पहुंच पाएंगे। गगनयान तो 2025 में और भाई उसके बाद हमने ये सब करना है, चांद हो गया अपना मार्स, सब कुछ। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि हम इस मोमेंट को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। जय हिंद, हम भी करने वाले हैं। अच्छा भाई, मैं जो बोलना चाहती हूँ पहले मैं बता दूँ कि कह रहे हैं ना कमाई का जरिया, अब जैसे हमने, अच्छा हमने एक वीडियो की है जिसमें USA के अंदर जो न्यूज़ चैनल है CNN, उसने खास कवरेज की थी जब इंडिया का चंद्रयान जो है वो लैंड हुआ है, और उसके बाद उन्होंने इंडिया से कनेक्ट भी किया और वहाँ की जो रिपोर्टर है उससे भी बात की, फिर नासा के एक एस्ट्रोनॉट को भी बुलाया, उनसे भी बात की। बहुत अच्छी वीडियो है, इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर चैनल में ही होगी, तो उसको भी ज़रूर देखना। तो उसको कनेक्ट करके मेरे दिमाग में आया कि एक कमाई का जरिया, जिसको भी अब मून की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना
उसके लिए जितना वो एक ट्रिप का पैसा लगाते हैं ना, उन्हें कहा तुम उतना पैसा दो फिर हम बताएंगे इसमें कौन सा मिनरल, एक मिनरल बताने का उतना ही एक पैसा। देखिए फोटोज आएंगी, फोटोज अगर किसी को चाहिए उसके लिए फोटोज ले लेंगे, उसकी राइट उसको दे सकते हैं फोटोज को, बहुत कुछ। और जब सैंपल चेक करेंगे तो सबको होगा कि आप सैंपल में क्या था, इसमें किस टाइप का वाटर है, क्या वाटर मिला आपको, कहाँ अंदर चला गया, जो भी मतलब कितने अर्थक्वेक आते हैं, साइंटिफिकली बहुत लोगों को पता करना है। मान लीजिए किसी ने आना है वहाँ पे मून में बाद में, उसको पहले कोई ऐसी चीज़ पता करनी है बिफोर वो लोग आए, तो बहुत कुछ होगा स्पेसिफिकली इसमें होगा। अगर किसी को भी आना है तो इंडिया के साथ वो आएंगे, जैसे जापान वगैरह जो अमीर देश हैं बोलेंगे हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आप हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करिए, मतलब टेक्नोलॉजी अप्लाई करिए हमारे पैसे पे, हम पैसा देते हैं उसे आप बनवा लीजिए हर कुछ, और हमारा भी हम चीज़ें ले जाइए, हमारा नाम भी कर दीजिए, तो वैसा बहुत कुछ होने वाला है इन कोलैबोरेशन विद इंडिया। तो भाई पैसे की बरसात होगी अब हमारे इंडिया में, अभी ये शुरुआत है, उस पैसे से बेस बनेगा और, अच्छा और रिसर्च होगी, फिर हम जो बड़े जितना पैसा नासा और ये सब चाइना या रशिया का खर्च हम उतना एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग यूपीएससी करते रहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जिसमें सिर्फ देश को चलाते हैं एडमिन करते हैं, उसमें बच्चों को जा रहे हैं वो ठीक है, मगर उसमें इतना मजा नहीं है जितना इस काम में, इंजीनियरिंग मेडिकल और साइंस में है, स्टेम में है, ये तो बहुत एक्साइटिंग है। तो क्योंकि एक ही चीज लहर शुरू हो गई थी एरियाज में यूपीएससी लोगों को पता नहीं, उसके अलावा भी बहुत एक्साइटिंग चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसमें लोगों को जाना चाहिए। तो भाई अगर आपका इंटरेस्ट है या आपके बच्चों का इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली उनको इनकरेज करो कि इस साइड में जाएं और इसरो को ज्वाइन करें। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।